आप देख रहे P20 न्यूज़। दरोगा की बेटी की शादी में गाजर का हलवा खाकर करीब 3 दर्जन लोग हुए फूड पॉइजन के शिकार, हॉस्पिटल में एडमिट। अब खबर विस्तार से। जानकारी के मुताबिक थाना गांधी पार्क इलाके में डोरी नगर निवासी गेंदा लाल सिंह फिरोजाबाद पुलिस लाइन में तैनात हैं, जिनकी बेटी संध्या की शादी नंगला रंजिता निवासी हरवेंद्र के साथ 12 मार्च दिन रविवार की रात को इलाके के शांतिराज होम हाउस में हुई। शादी समारोह में तमाम खाने के आइटम के साथ मिठाई में गाजर का हलवा व रसगुल्ले भी बने थे। लोगों के बताए अनुसार शादी समारोह के अगले दिन गाजर का हलवा और रसगुल्ले बचे थे। गेंदालाल के परिजनों ने बचे हुए गाजर का हलवा और रसगुल्ले पास पड़ोस के लोगों में वितरित कर दिया। सोमवार की रात तक एक एक करके लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी तो सभी स्थानीय प्राइवेट हॉस्पिटल व सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। इधर कार्यक्रम के आयोजन सब इंस्पेक्टर गेंदालाल सिंह ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य स्थानीय लोगों समेत बारातियों की तबीयत भी खराब हुई है, जिनकी गिनती करीब 3 दर्जन बताई है, जिनमें बच्चे बच्चियां, युवक युवतियां व वयस्क लोग शामिल हैं, जिसको लेकर कैटरर्स रोविंग सिंह व बालाजी स्वीट सेंटर, जिसके यहां से खोआ और पनीर व दूध आया था, इसी के चलते इन लोगों के विरुद्ध थाना गांधी पार्क में शिकायत दर्ज कराई गई है। अलीगढ़ से लक्ष्मी बड़ोनी की रिपोर्ट। नाम क्या आपका? गेंदालाल। गेंदालाल जी, किसकी शादी थी आपके यहाँ और क्या हुआ, जैसे फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, कब शादी थी? मेरी पुत्री संध्या की शादी दिनांक 12 मार्च 2023 को शांति राज फार्म नगला मानसिंह अलीगढ़ में बारात आई थी। बारात जो है बाबा कॉलोनी से हरविंदर कुमार सनुप अमर सिंह के यहाँ से आई थी बारात। बारात में भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन की व्यवस्था के मैं हलवाई रोविंद सिंह पुत्र पप्पू सिंह निवासी वैदिक विहार कॉलोनी गली नंबर 5 थाना शासन के चंडीगढ़ के द्वारा बालाजी स्वीट सेंटर भगवान नगर के मालिक सुमित सैनी सनप हरिशंकर निवासी भगवान नगर पला रोड थाना शासन गेट अलीगढ़ की दुकान से खोवा पनीर मक्खन क्रीम व मटर का आर्डर दिया गया था और अच्छी क्वालिटी के सामान की गारंटी दी गई थी। अच्छी क्वालिटी के सामान की गारंटी दी गई थी। फिर उस सामान क्या सामान था जो बचा हुआ था, फिर क्या हुआ? नहीं, सुन लीजिए, जो सामान आया था बालाजी स्वीट सेंटर के मालिक द्वारा स्वयं जो है पहुंचाया गया था, उसमें गाजर का हलवा और गुलाब जामुन मिठाई बनी थी। उसमें उसके खाने से बराती, घराती, पड़ोसी, रिश्तेदार व स्वयं के मेरे बच्चे खाने से उल्टी दस्त से बीमार हो गए। करीब कितने लोग चपेट में आ गए होंगे इधर किधर, मतलब क्या संगम में आया? करीब बरातियों की तरफ से बताया गया अभी फिलहाल के 20 आदमी इसमें जो है चपेट में आए हैं और 8-10 लोग पड़ोसी हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, करीब जो है 10 लोग और मेरे घर में स्वयं 2 मेरे बेटे हैं, मेरी पत्नी जो मीठा खाती नहीं, मैंने खाना खाया नहीं 2 दिन से। 3 से 4 दर्जन लोग चपेट में आ गए करीब। हाँ, बच्चे बुजुर्ग सब सामने। हाँ, सब बच्चे बुजुर्ग। अब कंडीशन क्या बताई जा रही है उनकी? कंडीशन ये बताई जा रही है कुछ तो जो है डिस्चार्ज होकर आ गए हैं, कुछ जो है अपना इलाज करा रहे हैं। उसको कोई शिकायत आपने दी है? मैंने थाने में आज 14/3/23 को थाना गांधी पार्क अलीगढ़ में हलवाई और जो है बालाजी स्वीट सेंटर के मालिक के खिलाफ तहरीर दी है, जिन्होंने जो है नकली मावा या किस चीज़ से जो। नाम क्या? यशपाल। यशपाल, क्या हुआ है? ये संडे के दिन, संडे हमारा रविवार को जो परसों के तरह मोहल्ले में आ रही में शादी थी डोई नगर में, तो लड़की की शादी थी, तो लड़की की शादी में जो खाना पीना बना था तो उसमें शादी में जो रसगुल्ले और जो गाजर का हलवा था वो बच गया था, तो वो बच गया जो हलवा जो बचा था वो दूसरे दिन उन्होंने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब वो मोहल्ले में जिन जिन को दिया था तो उनने जो उस गाजर के हलवे का जो सेवन किया है तो सेवन से सभी बच्चों, सभी
चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। आपके परिवार से कितने लोग? मेरे परिवार से 6 लोग हुए। 6 लोग कौन कौन? मेरे दोनों बच्चे, मेरे पिताजी और मेरे भाई के दोनों भाइयों की 2 वाइफ हैं और एक बच्चा। करीब टोटल कितने लोग इसमें चपेट में आए होंगे? कम से कम आए होंगे तो 25-30 तो हमारे मोहल्ले के ही हैं और फिर बराती भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आई थी बारात? ये भदेसी से आई थी। फंक्शन किसके यहाँ था? ये हमारे मेरे घर के जस्ट बराबर में गैनालाल जी हैं, उनकी लड़की का शादी थी। शादी रविवार की थी? रविवार के दिन हुई थी, रविवार को बारात आई थी। कहाँ कहाँ पे एडमिट है कुछ पता आपको? ये दीनदयाल में हैं, कुछ परी हॉस्पिटल में हैं, कुछ एटा चुंगी में, एक दो मतलब आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, जहाँ मतलब जैसा जैसे व्यवस्था हुई है। मैं यहाँ पर मैक्सपोर्ट, ठीक है, मैक्सपोर्ट हॉस्पिटल में हूँ। मेरे बच्चे थे मैक्सपोर्ट हॉस्पिटल में भर्ती है। रात तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी और अब तो कहीं तक ये है कि नॉर्मली मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है। शिकायत की है क्या कोई? नहीं, शिकायत फिकायत तो अभी कुछ हुई नहीं, जो बच्चों के से फुर्सत नहीं हो पाई है, बच्चों के चक्कर में नहीं कर पाए कुछ भी, बच्चों के देखने में रहे हैं, ये चीज़ है। डोरीनगर का क्या मामला था? कुछ लोग खाने से बीमार हुए, क्या है पूरा प्रॉब्लम? डोरीनगर में कल शाम एक विवाह समारोह का आयोजन था, उसके पश्चात आज सुबह कुछ बच्चों में खाद्य पदार्थ का वितरण होने के बाद उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बुखार, इस तरह की जानकारी मिली थी। तुरंत टीम भेज दी गई थी और लगभग 39 लोग चिन्हित किए गए थे जिनमें इस तरह के लक्षण थे, उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। कुछ लोगों को इंजेक्शन सुई हड्डी दे के जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, सभी लोग स्वस्थ हैं। इस तरह पूरी तरह से